हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, वो टॉपिक होने वाला है कि एक मसीह व्यक्ति को ये वाला काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज जिस विषय पर मैं बात करने वाला हूँ, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसका यही विषय है कि एक ऐसा काम जो किसी भी मसीह को नहीं करना चाहिए, चाहे आप नए मसीह हो या आप बहुत साल से प्रभु यीशु मसीह को जानते हो, आप बहुत पुराने चर्च में जाने वाले हो, बहुत पहले से ही आप परमेश्वर को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है, तो ये जो काम मैं आज बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ये जो बातें मैं आज बताने वाला हूँ, ये आपके ज़िंदगी में, आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। अगर आप एक सच्चे मसीह हैं तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत में बहुत सारे लोगों के जीवन में ये बातें होती हैं, तो आज मैं वचन से आपको बताने वाला हूँ कि ये कौन सी बात है जो आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप वीडियो को पूरा सुन लेंगे, देख लेंगे, तो आप समझ जाएंगे कहीं ना कहीं ये बातें आपके जीवन में भी है। इसीलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें और ये बातें अपने जीवन से निकाल दें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही खतरनाक बात है और बहुत सारे मसीह अनजाने में इस चीज को अपने जीवन में रखे हुए हैं। आज आप इस वीडियो को देखने के बाद जरूर प्रार्थना करके इस चीज को अपने जीवन से निकाल दीजिएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल से जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही बाइबल से रिलेटेड वीडियोस हम इस चैनल पर लगातार रोजाना लाते रहते हैं। तो दोस्तों, देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसे आप अपने जीवन में यदि परख लेंगे और उसको अपने जीवन से हटा देंगे तो आप एक पवित्र जीवन बहुत आसानी से जी पाएंगे। दोस्तों, आज के समय में चाहे कोई नया विश्वासी हो या पुराना विश्वासी हो, कुछ ऐसी बातें उनके जीवन में होती हैं जो कि बाइबल के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी सही नहीं है, और बहुत सारे लोग इन बातों को नहीं जानते हुए, बाइबल के इन छोटी छोटी बातों को नहीं जानते हुए अपने जीवन में उन कामों को कर डालते हैं जो कि बाइबल मना करती है कि एक विश्वासी को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और ये इसलिए होता है कि बहुत बार विश्वासी लोगों को पता नहीं होता है कि आखिर बाइबल में किस प्रकार से जीवन जीने के बारे में लिखा है, क्योंकि कई बार वो बाइबल को पढ़ते नहीं हैं या कई बार उनको बाइबल से जो शिक्षाएं दी जाती हैं वो ऐसी खरी शिक्षाएं नहीं दी जाती, बस बाइबल को पढ़ के समझा दिया जाता है, जिसके कारण ऐसी गलतियां अधिकतर मसीह लोग अनजाने में कर डालते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि वो कौन सी बात है। मेरे प्रियो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपका जीवन पवित्र होना बहुत जरूरी है। यदि आपका जीवन पवित्र नहीं है, बाइबल के अनुसार अगर आप नहीं जियेंगे, तो यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर आप उनके संग नहीं जाएंगे। इसीलिए अपने जीवन को निरंतर बाइबल से परखें, बाइबल से देखें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। बहुत बार मसीह विश्वासी लोगों के अंदर एक शिकायत होती है, वो ये कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जब से हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमारे जीवन में दुख और परेशानी बढ़ गई है, हम बहुत ज्यादा दुखी हो गए, हमारे जीवन में बहुत सारी मुसीबतें शैतान लाते जा रहा है, हमारे दुखों का अंत नहीं हो रहा है। लेकिन जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, जो उनके आसपास लोग रहते हैं, वे लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते, फिर भी उनके जीवन में बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, बहुत आनंद का जीवन वो जीते हैं, बहुत ही अच्छी जिंदगी संसार में वो काट रहे हैं। और इस बात को सोचकर बहुत बार मसीह लोग जो है कुड़कुड़ाने लगते हैं, ढाक करने लगते हैं, और उसके जीवन में ऐसा क्यों है और हमारे साथ यीशु मसीह के साथ चलने के वजह से हमारे जीवन में इतनी बुराइयां, इतनी दिक्कतें क्यों आ रही हैं। तो ऐसे बहुत सारे मसीह लोग सोचते हैं। यदि आप भी अपने आसपास के लोगों के जीवन को देखकर आपको लगता है कि उनके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, या बहुत बार ऐसा होता है कि आप एक अच्छे विश्वासी हैं, आप बहुत अच्छे से परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, लेकिन आपके साथ ही कुछ ऐसे और भी विश्वासी हैं जो आपके साथ ही चर्च जाते हैं, आपके चर्च में ही हैं, लेकिन उनका जीवन जो है पूरी तरह से सही नहीं है बाइबल के अकॉर्डिंग, और इस वजह से उनके जीवन में बहुत सारी आशीषें भी हैं, संसारिक आशीषें कह लो, धन दौलत कह लो, बहुत सारी संसारिक बातें उनके जीवन में आपसे बेहतर है, और आपको ये लगने लगता है कि परमेश्वर ये भी आपको मानते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं और मैं भी मानता हूं, लेकिन मेरे जीवन में इतना दुख है और इनके जीवन में इतनी सारी आशीषें, संसारिक बातें जो संसार के आशीषें वो क्यों हैं। ऐसा सोचकर बहुत बार विश्वासी लोग अपने मन में ढा करने लगते हैं। तो परमेश्वर का वचन इसके विषय में क्या कहता है वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप नीति वचन, साफ रीति से लिखा है,
बुरे लोगों के विषय में डान नहीं करना और ना उनकी संगति की चाह रखना। देखिए सबसे पहली चीज, बुरे लोगों के विषय में आपको डान नहीं करना कि भैया उसके जीवन में इतनी आशीष क्यों है। छोड़ दीजिए, वो बुरे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, वो शैतान उनसे खुश रहता है और शैतान उनको सांसारिक बातों में आशीष देता है। लेकिन आप प्रभु के वचन में चल रहे हैं, आप यीशु मसीह के वचन में चल रहे हैं, इस वजह से शैतान आपसे दुखी है, आपसे परेशान है, इसीलिए वो आपके जीवन में ज्यादा परेशानियों को लेकर आ रहा है। इसीलिए अगर कोई ऐसा विश्वासी है जो सही रीति से जीवन नहीं जीता है और उसके जीवन में आशीष है, तो परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों के विषय में ढा नहीं करना है आपको, उन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि उनकी संगति भी आपके लिए गलत है। और आगे नीति वचन 24 अध्याय उसका अगर 19 आयत पढ़ेंगे, वहां देखिए साफ रीति से लिखा है, कुकर्मियों के कारण मत कुड़, दुष्ट लोगों के कारण ढा ना कर। परमेश्वर का वचन कहता है कुकर्मियों के कारण मत कुड़ो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो पाप में जीवन जी रहा है, तो उसे देखकर ये मत कुड़ो कि उसके पास इतनी आशीषें क्यों हैं, इतना धन दौलत क्यों है। कुकर्मियों को देखकर नहीं कुड़ना है। आप परमेश्वर के वचन में चल रहे, वो परमेश्वर के वचन में नहीं चल रहे, इसीलिए उसके जीवन में इन सारी बातों का हो रहा है, इन सारी बातें उनके जीवन में आ रही, सांसारिक बातें उन्हें आशीष मिल रहा है। लेकिन प्रभु आपसे ये चाह रखते हैं कि आप उनको देख कर ना कूड़े। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, याद रखिए, अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम्स है तो परमेश्वर आपके साथ है, यह आपके लिए बहुत बड़ी बात है। उनके जीवन में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन उनके जीवन में परमेश्वर नहीं है और वो अनंत काल के नरक में डाले जाएंगे, आप अनंत काल के नरक में नहीं डाले जाएंगे। और 20 आयत में लिखा है, क्योंकि बुरे मनुष्य को अंत में कुछ फल ना मिलेगा, दुष्टों का दिया बुझा दिया जाएगा। जी हां, परमेश्वर का वचन कहता है दुष्टों का दिया जो है बुझा दिया जाएगा, बुरे मनुष्य को अंत में कुछ नहीं मिलेगा, वो स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेंगे, परमेश्वर के स्वर्ग में नहीं जा सकते, लेकिन आप जा सकते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, ऐसे लोगों को देखकर जलन नहीं करना है, कुड़ना नहीं है। अगर आपको परमेश्वर ने जो आपको दिया है उसमें आप शांति से रहें, उसमें आनंदित रहें, उसमें मगन रहें, प्रभु में आनंदित रहें और हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, ये परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन से है। यदि आप उनके जीवन में अगर कभी बाई चांस मान लीजिए जो लोग आशीषित हैं, जो जिन्हें देखकर आज आपको बहुत दुख हो रहा है, अरे वो इतने आशीषित क्यों हैं, और हो सकता है वो आपके सामने उनके जीवन में भी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि वो भी दुखी हो जाए, तब आप उनसे ये भी नहीं कहना कि पहले तो बहुत अच्छा आपका जीवन था और आपके जीवन में दुख आया तो बड़ा अच्छा हुआ, जब मैं दुखी था तब आप आनंदित कर रहे थे, अब आप दुखी हो तो मुझे बड़ा मेरे दिल को तसल्ली मिल रहा है, ऐसा नहीं करना है। देखिए इसके लिए भी परमेश्वर का वचन कहता है 24:17 में लिखा है, जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित ना हो, और जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन मगन ना हो। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे शत्रुता रखता है, आपसे जलन रखता है, यदि वो ठोकर खाकर गिर जाता है, उसके जीवन में परेशानी आ जाती है, तो आपको आनंदित नहीं होना है। बहुत बार मसीह लोग यही गलती करते हैं कि वो खुशियां मनाने लगते, अच्छा हुआ वो मुझसे दुश्मनी रखता था, मुझे चिढ़ाता था, मुझे मारता था, मुझे भला बुरा कहता था, मुझे चर्च जाने के विषय में मेरे ताने मारता था, मुझे अच्छा हुआ उसके जीवन में ये हुआ। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको परमेश्वर का वचन कहता है आप अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करो, उनको आशीष दीजिए, आप उनके जीवन में गलत होने से, बुरा होने से आनंदित नहीं होना। अगर ऐसा हो गए तो परमेश्वर आपसे नाराज हो जाएंगे। और अगले वचन 18 में लिखा है, कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा यह देखकर अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। यह देखकर परमेश्वर को, ऐसा ना हो कि परमेश्वर अप्रसन्न हो जाए कि देखो मेरा यह बच्चा आप कैसे दूसरों के ऊपर दुख आने पर खुश हो रहा है। प्रभु कभी भी ऐसा नहीं चाहता। प्रभु चाहता है कि दूसरों की दुखी में आप दुखी होकर उनके लिए प्रार्थना जरूर करें। तो इसीलिए परमेश्वर उनके जीवन से दुखों को हटा लेगा अगर आप खुशियां मनाएंगे। प्रभु को समझने की कोशिश करिए, बाइबल को समझने की कोशिश करिए। आज के समय में बहुत जरूरी है कि आपका जीवन बाइबल के अकॉर्डिंग हो। इसलिए मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज के समय में अपने जीवन को परखिए, बाइबल के अनुसार चलिए, एक पवित्र जीवन जिए, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं और उसके आगमन पे आपका जीवन का पवित्र होना बहुत जरूरी है, अन्यथा आप यीशु के संग स्वर्ग में नहीं जाएंगे।